हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो हैं सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, क्लासेज हो या फिर क्विक रिविज़न वीडियो हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियो बनाती रहूं। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर है 85। और आप इससे पहले का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक के मेरे जितने भी वीडियो हैं वो सारे ही वहाँ पे शेयर किए जा चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोषण विज्ञान, और पोषण विज्ञान से लगभग आज हम 450 से ऊपर के क्वेश्चन को देखेंगे। आप देख सकते हैं ये रहा हमारा लास्ट पेज, हम देखते हैं कितने क्वेश्चन देख पाते हैं। बट अगर आज 400 से ऊपर क्वेश्चन नहीं देख पाते हैं तो पार्ट बाई पार्ट करके हम इसके सारे ही क्वेश्चन को देखेंगे। तो आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला पेज हल्का धुंधला हो गया है, आई होप आप सब मैनेज कर लेंगे, मैं बोलूंगी आप सब सुन सकते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, कैलोरी के माध्यम से मापा जाता है तो क्या मापा जाता है? तो ऊष्मा की मात्रा, और इस बार टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊष्मा या जूल से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि किस कैसे मापे जाते हैं, मापने के पैमाने, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया, तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये उसी टाइप का क्वेश्चन है और हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सके। तो कैलोरी के माध्यम से मापा जाता है तो क्या मापा जाता है? तो ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी के माध्यम से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्च व चीनी दोनों जिस समूह में आते हैं, तो स्टार्च और चीनी किस समूह में आते हैं? प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टार्च एवं चीनी ये कार्बोहाइड्रेट के समूह में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को भूख से मरना कहा जाता है जब उसे, एक व्यक्ति को हम भूखे मरते हुए कब कह सकते हैं? तो पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होते, भोजन जो वह खाता है उसकी ऊर्जा उपयोग की पूर्ति नहीं करती, उसका वजन कम होने लगता है या फिर शरीर का एडिपोज ऊतक उपयोग होने लगता है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो होगा कि एक व्यक्ति को हम भूख से मरते हुए तब हम मान सकते हैं जब वो जो खाता है तो उससे उसे जो ऊर्जा मिलती है उस भोजन से जो उसे ऊर्जा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, उसके शरीर की ऊर्जा की पूर्ति नहीं हो पाती, इस कारण वो मर जाता है। वैसे व्यक्ति को हम भूख से मरना बोलते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के कुछ अंगों में भोजन बचा कर रखा होता है, इन अंगों के नाम कौन से हैं? यहाँ पे सिंपली पूछ रहा है कि हम जो खाते हैं कुछ सेविंग मोड में चले जाते हैं तो वो जो सेविंग मोड में जाते हैं वो किस अंग में जाते हैं? ऑप्शन ए है कि यकृत, ऑप्शन बी है एडिपोज, ऑप्शन सी है रक्त एंड ऑप्शन डी है स्नायु। नीचे हमें कूट में आंसर देना है, तो कूट में आंसर हो जाएगा अब द। तो यकृत, एडिपोज उत्तक एवं रक्त, सॉरी रक्त नहीं, एडिपोज उत्तक। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा यकृत, एडिपोज उत्तक एवं स्नायु। रक्त नहीं होगा, रक्त में भोजन बचा के नहीं रखा जाता है। यहाँ ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन किस रूप में शरीर में इकट्ठा करके रखा जाता है? क्वेश्चन वही है, तो किस रूप में इकट्ठा करके रखा जाता है? ग्लाइकोजन, वसा, ग्लूकोज या फिर प्रोटीन? नीचे हमें कूट में आंसर देना है, और कूट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन किस रूप में शरीर में इकट्ठा करके रखा जाता है? तो ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में इकट्ठा करके रखा जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जब कोई व्यक्ति भूख से मरने लगता है तब वह अपने शरीर का उपयोग भूख मिटाने के लिए करता है, तो वह सर्वप्रथम उपयोग करता है तो शरीर में उपस्थित किस चीज का? क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति भूख से मरने लगता है तो वह अपने शरीर में, जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा ना कि कुछ अंगों में भोजन को बचा के रख लिया जाता है, तो ऐसे सीन में जब हमें भोजन नहीं मिलता तब हम उसका उपयोग करते हैं। तो वही पूछ रहे कि जब इंसान भूख से मरने लगता है तो जिसका वो उपयोग करता है तो वो क्या है, और वो सर्वप्रथम किसका उपयोग करता है?
तो वो हो जाएंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। ऑप्शन बी सही है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायबिटीज वह रोग है जिसमें मूत्र में डैश होती है। तो डायबिटीज कौन कौन सा ऐसा रोग है जिसके मूत्र में क्या जाता है? तो वहां पे हो जाता है ऑप्शन नंबर चीनी। चीनी के जब आते हैं तो वो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायबिटीज डैश इंजेक्शन से नियंत्रण में लाया जा सकता है। तो किस चीज के इंजेक्शन लगाने से डायबिटीज नियंत्रण में आ सकता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का मुख्य कार्य है, तो भोजन का मुख्य कार्य क्या होगा? तो भूख को समाप्त करना, स्वाद का आनंद लेना, ऊर्जा प्रदान करना एवं शरीर का विकास करना। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से हमें सबसे जो उत्तम है उसे सिलेक्ट करना है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा प्रदान करना। भोजन का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा को प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को खाना चाहिए, तो चावल, मीट, मटर या फिर गाजर। तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे अधिक मात्रा किसमें होती है? सिंपली क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का अत्यधिक जरूरी भोजन है, शरीर का अत्यधिक जरूरी भोजन क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फिर खनिज लवण। तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। प्रोटीन शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने का कार्य करता है, तो क्या करता है? हार्मोन, शारीरिक ताप, रक्त या फिर एंजाइम। तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने का कार्य क्या करता है? तो वो करता है एंजाइम। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने का कार्य एंजाइम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक समय तक सूर्य की पर्यावरणीय किरणों को ग्रहण कर चुके दूध में डैश की अधिकता हो जाती है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम एवं वसा। तो अधिक समय तक सूर्य की पर्यावरणीय किरणों को ग्रहण कर चुके दूध में विटामिन डी की अधिकता होती है। सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, ये हमें पता होगा, तो हम इस क्वेश्चन के आंसर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध, घी, मक्खन, हरी सब्जी, मछली आदि से हमें यह विटामिन प्राप्त होता है, तो कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी एवं विटामिन डी। तो दूध, घी, मक्खन, हरी सब्जी, मछली आदि से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से डैश रोग हो जाता है, तो वेरी वेरी, रतौंधी, एस्कर्वी एवं कोई नहीं। तो विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी होता है, इसे हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी विटामिन बी की कमी से होता है और एस्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन सॉरी कोई नहीं। तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जाहिर सी बात है, ये सब आप सब बचपन से पढ़ते आ रहेंगे, विटामिन डी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि कौन सा विटामिन हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? इसका आंसर मैंने पहले ही दे रखा है, तो वो हो जाएंगे विटामिन डी। इस क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछा जा सकता है, अभी आपने इसे पहले वाले क्वेश्चन में देख रखा है कि अगर दूध को हम अधिकतर सॉरी दूध को अगर हम अधिक समय तक सूर्य की किरणों में रखते हैं तो उस दूध में किस चीज़ की अधिकता हो जाती है? तो विटामिन डी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकेट्स रोग होने का कारण डैश विटामिन है, तो विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन सी। तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, और विटामिन ए की कमी से हमने रतौंधी देखी लिया, विटामिन सी की कमी से हमने स्कर्वी देखी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन संतान उत्पन्न की शक्ति प्रदान करता है? तो विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी एंड विटामिन सी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन जो रक्त स्राव को रोकता है वो कौन सा है? तो इसे रक्त स्राव या फिर स्कंदन विटामिन के भी नाम से जानते हैं, तो ये हो जाएंगे विटामिन के। ये रक्त को बहने से रोकता है, वहाँ पे रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन खट्टे फल एवं सब्जियों में पाया जाता है? तो जाहिर सी बात है विटामिन सी खट्टे फल एवं सब्जियों में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की औसत प्रोटीन मात्रा जो वो ग्रहण जो उसे ग्रहण करनी चाहिए का अनुपात डैश से लगाया जाता है, तो कैसे लगाएंगे हम एक व्यक्ति के औसत प्रोटीन की मात्रा। क्वेश्चन नंबर है 22 और 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.5 से 0.7 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शारीरिक भार के प्रतिदिन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकसित देशों में एक आहार तालिका में डैश होता है तो क्या होता है, तो 12% प्रोटीन, 48% कार्बोहाइड्रेट एवं 40% वसा। जो विकसित देश होते हैं उनके आहार तालिका में ये सारे ही होते हैं, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी विकसित हो रहे देशों में मुख्य भोजन अन्न होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट है, इसका उपयोग तालिका में बढ़कर डैश हो सकता है, तो 50%, 70%, 80% या फिर 90%। तो अभी विकसित हो रहे देशों में मुख्य भोजन अन्न होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका उपयोग तालिका में बढ़कर डैश हो सकता है, तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक कोयले के टुकड़े के समान भोजन की शक्ति प्रदान करने की क्षमता उसे डैश में जलाकर उत्पन्न गर्मी को माप कर की जा सकती है, तो अंगीठी, माइक्रोवेव, कैलोरीमीटर या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी कैलोरीमीटर। एक कोयले के जो टुकड़े हैं यहाँ एक कोयले के टुकड़े के समान भोजन की शक्ति प्रदान करने की क्षमता उसे डैश में जलाकर उत्पन्न गर्मी को माप कर की जा सकती है, तो कैलोरीमीटर। ऊर्जा का माप किस में करते हैं, तो कैलोरी में, इसलिए ये क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछा है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में कैल्शियम की आवश्यकता होती है क्योंकि इसका उपयोग डैश में होता है, तो विकास, हड्डी एवं दांत इन सब के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आंतों में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा विटामिन बनाना है, तो विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ए एवं फॉलिक एसिड, नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो आंतों में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा विटामिन बनाना क्या कहलाता है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अ एवं द सारे विटामिन B12 एवं फॉलिक एसिड। आंतों में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा विटामिन बनता है विटामिन B12 एवं फॉलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विटामिन B1 या फिर थायमिन विटामिन किस में पाया जाता है, तो ईस्ट में, अन्न में, चावल में या फिर घी में। तो विटामिन B1 या फिर थायमिन किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ईस्ट में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोटीन अम्ल मनुष्य शरीर में बना सकते हैं डैश से, तो सब अमीनो अम्ल से, ट्रिप्टोफेन से, विटामिन सी से या फिर कोई नहीं। तो जो निकोटीन अम्ल है वो मनुष्य ट्रिप्टोफेन से बना सकते हैं, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डैश एक डच व्यक्ति था जिसने सबसे महत्वपूर्ण खोज की कि विटामिन और उसकी कमी पर, तो कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने महत्वपूर्ण खोज की वो भी है विटामिन और उसकी कमी पर, तो फैराडे, क्रिस्टन इजिकमैन, फैराडे या फिर कोई नहीं। तो विटामिन और उसकी कमी पर खोज किसने की, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो डच के रहने वाले थे, यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्रिस्टन इजिकमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे भोजन में कुछ मात्रा में कैल्शियम सम्मिलित होना चाहिए, इसकी आवश्यकता होती है तो किसके लिए, तो हड्डी, दांत, हृदय, स्नायु, तो किसके लिए होती है, तो यहाँ पे हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ब द, ये सारे ही। हमारे भोजन में कुछ मात्रा में कैल्शियम सम्मिलित होना चाहिए, इसकी आवश्यकता होती है तो हड्डी के लिए भी, दांत के लिए भी, हृदय के लिए, स्नायु के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत इसको संग्रहित करता है ग्लाइकोजन के रूप में, तो अभी हमने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमने ये देखा था कि
हमारे भोजन के जो कुछ अंश होते हैं उसे हमारे बॉडी के कुछ पार्ट होते हैं वो उसे सेविंग मूड में रख लेते हैं, ताकि जब भी हम फास्टिंग करते हैं या फिर ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं जब हमें खाना नहीं मिलता, तो ऐसे सीन में हम उसका उपयोग करते हैं। तो वही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ रहे हैं कि यकृत इसको संग्रहित कर लेता है ग्लाइकोजन के रूप में, तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी शक्कर। शक्कर में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो यकृत कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि दूध मक्खन अंडा घी डैश विटामिन के साधन है। तो दूध मक्खन अंडा घी अभी हमने देखा विटामिन ए के साधन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ताजी सब्जी संतरा नींबू में विटामिन डैश पाया जाता है, तो खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार जो तीन जोड़ी ग्रंथियों से निकलती है डैश होती है, तो क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या फिर कोई नहीं। तो लार जो कि तीन जोड़ी ग्रंथियों से निकलती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए क्षारीय। सिंपली ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लार कितनी ग्रंथियों से निकलती है, तो तीन जोड़ी। लार अम्लीय होती है या फिर क्षारीय? तो लार क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूध के जमने की क्रिया पाचन संस्थान डैश में होती है, तो मुंह में, अमाशय में, बड़ी आंत में या फिर छोटी आंत में? तो दूध के जमने की क्रिया पाचन संस्थान अमाशय में होती है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है जो छोटी आंत के ऊपरी भाग में पहुंचता है वो है, तो क्या है? तो वो हो जाएंगे लार, पित्तरस, अमाशिक रस या फिर कोई नहीं। तो हरे रंग का क्षारीय द्रव्य वो हो जाएगा पित्तरस, जो कि छोटी आंत के ऊपरी भाग में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पित्तरस जो सड़ने की क्रिया को रोकता है डैश पर क्रिया कर उसे पाचनशील बनाता है, तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो हो जाएंगे वसा। पित्तरस जो कि सड़ने की क्रिया को रोकता है तो वह वसा पर क्रिया करके उसे पाचनशील बनाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्जिन बनाना सर्वप्रथम डैश में शुरू हुआ था, तो 1825, 1835, 1863 एवं 1890। तो मार्जिन बनाना सर्वप्रथम 1863 में शुरू हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस के डैश ने सर्वप्रथम मार्जिन बनाई थी, तो मार्जिन बनाना 1863 में शुरू हुआ था और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने सर्वप्रथम मार्जिन बनाई थी, तो वो हो जाएंगे H.M. म्यूरिश ने, और वो कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्जिन आरंभ में बनाई गई थी, तो मार्जिन आरंभ में कब बनाई गई थी मार्जिन, तो सॉरी किससे बनाई गई थी? तो यहाँ कूट में आंसर देना है, कूट में आंसर हो जाएगा अशद मतलब कि बीफ, गर्म दूध एवं अमाशय की झिल्ली में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का भोजन में अनुपात होना चाहिए, तो प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का भोजन में क्या अनुपात होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर है 42 और 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1:1:4। तो प्रोटीन 1:1, वसा 1:1 एवं कार्बोहाइड्रेट का भोजन में 4:1 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो नमक का रासायनिक नाम हो जाएगा क्या होगा? खरा नमक, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं कोई नहीं। तो नमक का रासायनिक नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44 कि पाउंड्स मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं, तो कितना किलोग्राम बनाते हैं? तो यहाँ पे हो जाएंगे 2.2 IBH। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द्रव्य का घनफल लीटर में मापा जाता है, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। नेक्स्ट है कि 1 किलोग्राम में डैश ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी बनाने का साधन है, तो चीनी बनाने का साधन क्या है? तो चीनी बनाने का साधन गन्ने से चीनी बनता है।
शहद हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होती है और गन्ने से ही गुड़ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन शब्द का अर्थ है कि मुख्य, तो प्रोटीन डैश भाषा का शब्द है, तो चीनी, जापानी, अफ्रीकी या फिर ग्रीक। तो प्रोटीन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन पैक करने के लिए गोलाकार टीन का उपयोग किया जाता है क्योंकि सफाई में आसानी होती है, ज्यादा जगह उपलब्ध होता है, टूटने की कम आशंका होती है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी ये सारे ही सही है। भोजन पैक करने के लिए हमें गोलाकार टीन का उपयोग किया जाता है क्योंकि वो सफाई में आसान होता है, ज्यादा जगह उपलब्ध होता है, टूटने की कम आशंका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो पका भोजन हम खाते हैं उनमें हर का स्वाद अलग होता है, इसका कारण है। तो जो पका भोजन हम खाते हैं उनमें सबका स्वाद अलग होता है, इसका कारण होता है उसमें डाली गई सामग्री। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें खाने के टेबल पर भोजन खाते समय टीवी नहीं देखना चाहिए, तो क्यों नहीं देखना चाहिए? ऑप्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, स्वास्थ्य के लिए खराब होता है, अशिष्ट होता है, अशव्य होता है, अद्वितीय होता है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। क्वेश्चन नंबर 51 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सारे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान महिला के स्तन से निकलने वाला द्रव्य डैश कहलाता है, तो लार, लेक्टस, कोलेस्ट्रॉम या फिर कोई नहीं। तो गर्भावस्था के दौरान महिला के स्तन से निकलने वाले पहले पहले द्रव्य को क्या बोलते हैं? तो इसे हम क्वेश्चन नंबर 52 के आंसर में ऑप्शन नंबर बी, लेटेक्स बोलते हैं। पहले द्रव्य को लेटेक्स बोलते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बच्चा पैदा होने के पश्चात लेकेट्स द्रव्य में परिवर्तन आता है और अब वह डैश कहलाता है, तो हार्मोन, कोलेस्ट्रॉम, जूस या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 53 और 53 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रॉम। आपने अभी देखा, आप अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है और आप मिस्टेक कर सकते हैं कि गर्भावस्था के दौरान महिला के स्तन से निकलने वाले पहले द्रव्य को क्या कहते हैं। यहाँ द्रव्य पूछा है, इस पे ध्यान देंगे, सभी कोलेस्ट्रॉम को टिक कर देते और आंसर गलत हो जाता, लेकिन यहाँ हो जाएगा लेटेक्स। और उसी लेटेक्स में जब परिवर्तन आता है तो वही परिवर्तन कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। अगर गाढ़ा पीला दूध करके पूछे तो हम कोलेस्ट्रॉम बोलेंगे, और अगर द्रव्य के बारे में पूछे तो हम लेटेक्स बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉम में डैश होती है जिससे नवजात शिशु जीवाणुओं का सामना कर सकता है, तो प्रोटीन, वसा, प्रतिरोधक शक्ति एवं कोई नहीं। तो कोलेस्ट्रॉम में प्रतिरोधक शक्ति की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, अच्छी अच्छी मात्रा में होती है, जिससे कि नवजात शिशु जो होते हैं उन जीवाणुओं की रक्षा उनके जिससे नवजात शिशु जीवाणुओं का सामना कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि कोलेस्ट्रॉम दूध में परिवर्तन हो जाता है तो बच्चा पैदा होने के 10 दिन बाद, तो कितने दिन बाद? तो क्वेश्चन नंबर 55 है और 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 से 3 दिन के बाद कोलेस्ट्रॉम जो है वो दूध में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुन्नी धुन्नी या फिर उसे बेली बटन भी बोलते हैं, वह गड्ढा है जो पेट के निचले भाग पर दिखाई देता है, इससे शिशु डैश से जुड़ा रहता है, तो माँ से, गर्भाशय से, अमाशय से या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 56 है और 56 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्बलिक कार्ड का मुख्य कार्य होता है शिशु तक डैश पहुंचाना, तो ऑक्सीजन, पोषण, व्यर्थ पदार्थ या फिर रक्त। तो अम्बलिक कार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर है 57। 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवश्य। अम्बलिक कार्ड का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन, पोषण एवं
ऑक्सीजन पोषण एवं रक्त का पहुंचाना। यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, यहाँ पे अब द होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें भूख का एहसास होता है जब अमाशय खाली होता है, रक्त शक्कर मात्रा कम होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 58 है और 58 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमें भूख का एहसास तब होता है जब अमाशय खाली हो जाते हैं एवं रक्त में शक्कर की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूख के एहसास की संवेदना हमें मस्तिष्क के डैश भाग से मिलती है, तो मेडुला से, सेरिबरम से, हाइपोथैलेमस से, या फिर कोई नहीं। तो हमें भूख की एहसास की संवेदना मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग से मिलती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोटापा देने वाले खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, तो चावल, मीठा, वसा युक्त मीट एवं मक्खन। तो क्वेश्चन नंबर 60 है और 60 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सारे ही मोटापा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंदुरुस्त रखने वाले खाद्य पदार्थ के नाम है, तो सब्जियां, दूध, दही, मछली एवं सभी। तो तंदुरुस्त रखने वाले खाद्य पदार्थ के नाम ये सारे ही हैं, सब्जियां, दूध, दही एवं मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी आंत की दीवार पर कोई तह होती है जिसमें से उंगली के आकार के डैश बाहर निकले होते हैं, तो वाहिनियां, ग्रंथियां, विली, या फिर कोई नहीं। तो जो छोटी आंत की दीवार पर कोई तह होता है, कई तह होते हैं जिसमें उंगली के आकार के विली निकले होते हैं, विली बाहर निकले होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिली सहायता करती है डैश में, तो पोषक तत्वों के अवशोषण में, पोषक तत्वों को रक्त तक पहुंचाने में, भोजन बड़ी आंत में भेजने में, या फिर सभी। तो क्वेश्चन नंबर 63 और यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सभी। बिली सहायता करती है पोषक तत्वों के अवशोषण में, पोषक तत्वों को रक्त तक पहुँचाने में और भोजन बड़ी आंत में भेजने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन खाने व निकास में डैश से 10 घंटे लगते हैं, तो 10 से 12 घंटे, 11 से 20 घंटे, 12 से 24 घंटे और 12 से 30 घंटे। तो भोजन खाने व निकालने में 12 से 24 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज छिलते समय आंख से आंसू निकलने का कारण है कि प्याज में उपस्थित जल, पोषक तत्व, रक्त कण एवं सल्फर वाष्प। तो क्वेश्चन नंबर 65 और 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर वाष्प। प्याज छिलते समय हमारी आंखों से आंसू सल्फर वाष्प के कारण निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीन में संरक्षण करने से लाभ है कि यह धातु डैश है, तो जंग रहित है, जहर रहित है, क्रम से क्षय रहित है, या फिर सभी। तो क्वेश्चन नंबर 66 है और 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिन में संरक्षण करने से लाभ है कि यह धातु जंग रहित भी होता है, जहर रहित भी होता है और क्रम से क्षय रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन पकाते समय तत्व बचाने के लिए डैश कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो अधिक पानी का उपयोग नहीं करना, जितना जल्दी हो पकाना खत्म करें, धूप में न रखें एवं सभी। तो क्वेश्चन नंबर 67 है और 67 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भोजन पकाते समय तत्व बचाने के लिए हम अधिक पानी का उपयोग नहीं करें, जितना जल्दी हो खाना पका के खत्म करें और धूप में न रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में भोजन संरक्षण डैश तरीके से किया जाता है, तो सुखाने, नमक लगाने, धुआं देने एवं सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी कि प्राचीन काल में भोजन संरक्षण के लिए उसे सुखा के भी हम रखते थे, नमक लगा के भी, हम धुआं दे के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 69 नंबर की शैंपियन की बोतल के कॉर्क को तार से बांधा जाता है क्योंकि
स्वाद बना रहे, खोलने में सुविधा हो और अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बोतल खुल ना जाए, एंड उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 69 है, 69 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बोतल खुल ना जाए इसलिए शैंपेन की जो बोतल के कॉर्क होती है उसे तार से बांधा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय भैंस से तुरंत निकाला गया दूध पीना नहीं चाहिए क्योंकि यह डैश होता है, तो गर्म होता है, जीवाणु युक्त होता है, झाग वाला होता है, पौष्टिक युक्त होता है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु युक्त होता है इसलिए तुरंत नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताज़ा दूध कुछ समय तक अच्छी स्थिति में रखा जा सकता है यदि इसको रीति अनुसार डैश किया गया हो, तो उबाला गया हो, पाश्चराइज किया गया हो, रसायन से मिलावट की गई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएंगे ताज़ा दूध कुछ समय तक अच्छी स्थिति में रखा जा सकता है यदि इसको रीति अनुसार पाश्चराइज किया गया हो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन के खराब होने का कारण है, तो गर्म तापमान, बैक्टीरिया, फुफुंद या फिर जीवाणु, नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 72 है और 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सारे ही भोजन खराब होने के कारण गर्म तापमान, बैक्टीरिया, फुफुंद एवं जीवाणु, ये सारे ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाउडर दूध बनाने से लाभ हो सकते हैं, तो वजन में 1 से 1/10 की कमी, पौष्टिकता बरकरार, काफ़ी समय तक रखा जा सकना एवं उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 73 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ही पाउडर दूध बनाने के सारे ही लाभ हो सकते हैं, वजन में 1/10 की कमी, पौष्टिकता बरकरार रख सकते हैं और काफ़ी समय तक इसे हम रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनीर में पाए जाने वाले तत्वों का नाम है, तो प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस एवं वसा, नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो पनीर में पाए जाने वाले तत्वों का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सारे ही प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस एवं वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटीन का मनुष्य के शरीर में मुख्य कार्य है, तो तंतुओं का निर्माण, तंतुओं की मरम्मत, नए प्रोटोप्लाज्म बनाना या फिर उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रोटीन का मनुष्य के शरीर में मुख्य कार्य ये सारे ही हैं, तंतुओं का निर्माण करना, तंतुओं की मरम्मत करने, नए प्रोटोप्लाज्म बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रोटीन की प्राप्ति हो सकती है डैश से, तो जनत्व से, वनस्पतिक से, केवल जनत्व, केवल वनस्पतिक या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 76 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों से। प्रोटीन की प्राप्ति हमें जनत्व एवं वनस्पतिक दोनों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों प्रकार के प्रोटीन शरीर के लिए लाभदायक है डैश, तो वनस्पतिक या फिर जानत्व या फिर उपरोक्त दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 77 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि दोनों प्रकार के प्रोटीन शरीर के लिए लाभदायक है। तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जानत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डैश सेल मनुष्य से मिलते जुलते हैं इसलिए जल्दी ग्रहण कर लिए जाते हैं, तो स्नायु, हड्डियां, जानत्व या फिर वनस्पतिक। तो क्वेश्चन नंबर 78 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानत्व। जानत्व सेल मनुष्य से मिलते जुलते हैं इसलिए इसे जल्दी ग्रहण कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन जनत्व साधनों से जिस रूप में प्राप्त होता है वो है, तो अंडे से एल्बुमिन, मांस से मायोसिन एवं दूध से केसिन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दूध से हमें केसिन मिलता है, केसिन नामक प्रोटीन, अंडे से एल्बुमिन नामक प्रोटीन मिलता है और मांस से मायोसिन नामक प्रोटीन मिलता है। यहाँ 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। और प्रोटीन जनत्व साधनों से हमें किस रूप में प्राप्त होता है, इन सारे रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पतिक प्रोटीन के रूप हो सकते हैं, तो गेहूं में ग्लूटीन, दालों में ल्यूमीन, लेग्यूमीन, चीनी से ग्लूकोज और स्टार्च से डेक्सट्रिन, नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सारे ही। गेहूं से हमें ग्लूटीन मिलता है, दाल से हमें ल्यूमीन मिलता है, चीनी से हमें ग्लूकोज मिलता है और स्टार्च से हमें डेक्सट्रिन मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन में शक्ति प्रदान करते हैं डैश, तो क्या भोजन में शक्ति प्रदान करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एवं वसा। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 81 के आंसर हो जाएगा और द कार्बोहाइड्रेट एवं वसा हमें शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि भोजन के मुख्य तत्व हैं, तो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन। तो भोजन के मुख्य तत्व ये सारे ही हैं, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के तंतुओं के घिसने पर उनकी पूर्ति के लिए भोजन में डैश आवश्यकता पड़ती है, तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। शरीर के तंतुओं के घिसने पर उनकी पूर्ति के लिए भोजन में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्लर्क और मजदूर के कार्य में अंतर होता है डैश का, मानसिक एवं शारीरिक, ज्यादा कम पैसे, बड़े छोटे मकान का एंड कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक एवं शारीरिक। क्लर्क मानसिक मेहनत करता है और मजदूर शारीरिक। नेक्स्ट है कि शारीरिक काम करने वाले व्यक्ति को डैश भोजन की आवश्यकता होती है, तो कार्बोहाइड्रेट युक्त, प्रोटीन युक्त, लवण युक्त एवं वसा युक्त। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो शारीरिक काम करने वाले व्यक्ति को हमें कार्बोहाइड्रेट एवं वसा युक्त तो भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा अधिक मात्रा में है, तो यह भोजन है संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन, स्वादिष्ट भोजन या फिर ज्यादा पौष्टिक भोजन। तो एक मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा अधिक मात्रा में है, तो यह भोजन असंतुलित भोजन है, क्योंकि शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट एवं वसा युक्त भोजन ज्यादा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश भोजन हम उसे कहते हैं जो व्यक्ति को अपनी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में पौष्टिकता प्राप्त हो, तो संतुलित, साधारण, असंतुलित या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असंतुलित भोजन हम उसे कहते हैं जो व्यक्ति को अपनी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में पौष्टिकता प्राप्त न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंतुलित भोजन डैश हो सकता है अधिक मात्रा में कम, मात्रा से ज्यादा, केवल केवल वह या फिर दोनों। तो यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, दोनों। असंतुलित भोजन ये दोनों ही हो सकते हैं, अगर ये ज्यादा है तब भी और कम है तब भी। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन की मात्रा सर्दियों में डैश होती है, तो कम, ज्यादा, गर्म या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन की मात्रा सर्दियों में ज्यादा होती है। नेक्स्ट है कि जाड़े में अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए डैश अधिक मात्रा में होने चाहिए, तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। जाड़े में अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन की मात्रा डैश के कारण बढ़ या घट सकती है, तो जाति, जलवायु, स्वाद या फिर सभी। तो भोजन की मात्रा जाति, जलवायु एवं स्वाद इन सभी के लिए घट या बढ़ सकती है। नेक्स्ट है कि लवण शरीर में डैश बनाए रखता है, तो मांसपेशियां, स्नायु, रक्त का बल या फिर सभी। तो लवण शरीर में ये सब कुछ बनाए रखता है, मांसपेशियां, स्नायु एवं रक्त का बल। क्वेश्चन नंबर 93 है, कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है, तो आलू से, चावल से, शक्कर से या फिर दूध से। क्वेश्चन नंबर 93 है। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवश्य। कार्बोहाइड्रेट अ ब श, इन तीनों से हमें प्राप्त होता है, आलू, चावल एवं शक्कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मक्खन, घी, पनीर, तेल इत्यादि साधन है डैश के, तो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर कोई नहीं। तो मक्खन, घी, तेल किसके साधन है? क्वेश्चन नंबर 94 है, 94 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसा का।
अंडा दूध गेहूं मटर दालें खाने से शरीर को डैश मिलता है, आराम उत्तेजना प्रोटीन एवं वसा। तो अंडा दूध गेहूं मटर दाल खाने से शरीर को प्रोटीन मिलता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फल हरी तरकारी शरीर में पूर्ति करती है, किसकी करती है, तो रंग की, पानी की, विटामिन की या फिर किसी भी चीज की नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 96 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन की। फल हरी तरकारी शरीर में पूर्ति करती है खनिज लवण एवं विटामिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लवण की प्राप्ति के लिए भोजन में सम्मिलित करना अनिवार्य है, तो पनीर का, अंडा का, सेव का या फिर गेहूं का। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सारे ही लवण की प्राप्ति के लिए पनीर, अंडा, सेव एवं गेहूं, इन सब को हमारे भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। इसको हमें पूर्ण करना है। अब देखते हैं भोजन की मात्रा में अंतर आने के कारण हो सकते हैं। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन देख रखा है, जाति, जलवायु और इस तीनों को फिल करना है। तो सामाजिक, पारिश्रमिक, आयु, ऋतु, नीचे कूट है। तो क्वेश्चन नंबर 98 है और 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ष, द परिश्रम, आयु एवं ऋतु, ये कारण भोजन के मात्रा में अंतर आने के कारण हो सकते हैं। कमजोर वर्ग के लोगों में खासकर शिशुओं के पोषण आहार में कमी के कारण डैश ज्यादा होती है, बीमारी, रोग, कुपोषण एवं मोटापा। तो क्वेश्चन नंबर 99 है और 99 के आंसर हो जाएगा, मुझे लगा इसका कहीं कूट में आंसर होगा, तो 99 का हो जाएगा, अगर कमजोर वर्ग के लोगों में खासकर शिशुओं के पोषण आहार की कमी के कारण उनमें कुपोषण हो सकता है, ऑप्शन सी सही है। और आज के हमारे वीडियो के ये लास्ट क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, वह भोजन जो गुण और परिणाम में संतुलित हो एवं शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वास्थ्य को ठीक रखे तथा शरीर की समस्त क्रियाओं को नियमित रखे, वह है, वह आहार नियोजन है, संतुलित आहार है, भोजन का मिश्रण है या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 100 और 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संतुलित आहार। वह भोजन जो गुण और परिणाम में संतुलित हो, शरीर की वृद्धि, विकास, स्वास्थ्य को ठीक रखे तथा शरीर के समस्त क्रियाओं को नियमित रखे, वह संतुलित आहार होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन आप देखने चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर ले और आप मेरे वहाँ से सारे ही वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।